हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के फर्स्ट चैप्टर का जो कि नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस चैप्टर से हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने स्टडी किया था इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, प्री ब्रिटिश पीरियड क्या कंडीशन थी, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड क्या कंडीशन रही। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमारे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन रही, यानी ब्रिटिश जब यहाँ पर रहे तो उस टाइम हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी। अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो एक सिंगल वर्ड में मैं कहूँ अगर, तो उसको हम कह सकते हैं स्टैग्नेशन, यानी हमारे पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन था। अभी स्टैग्नेशन क्या है? स्टैग्नेशन मींस गतिहीनता, यानी उसके अंदर कोई मोशन ही नहीं था। जो हमारा प्रोडक्शन जितना था उतना ही था, ना हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, यानी हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन जो प्री ब्रिटिश पीरियड बहुत अच्छी थी, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वो एग्रीकल्चर की कंडीशन खराब। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और फर्स्ट जो रीज़न आता है वो आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम की अगर मैं बात कहूँ तो इसको हम टू पॉइंट से समझेंगे, एक जमींदारी सिस्टम और सेकंड द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। अगर इसके फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करें जमींदारी सिस्टम, तो जो जमींदारी सिस्टम था ये बेसिकली बंगाल प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको कहां लेके आई, बंगाल प्रेसिडेंसी में ले गए। अब बंगाल प्रेसिडेंसी आपके लिए कुछ नया वर्ड हो सकता है, लेकिन उस टाइम जो बंगाल प्रेसिडेंसी रही उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब एरिया मिलाकर के हम लोग बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें जब इस न्यू कंसेप्ट जमींदारी सिस्टम को एडॉप्ट कराया गया, तो अब इसको समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम क्या था। अंडर दिस सिस्टम मैक्सिमम प्रॉफिट्स एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। अंडर दिस सिस्टम मैक्सिमम प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिस्टम क्या था, जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था वो किसके हाथों में जा रहा था, जमींदार्स के हाथ में जा रहा था, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लगान। यानी जो पीसेंट हमारा है, जो हमारा किसान है, वो बहुत मेहनत करके जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जा रहा है जमींदार्स को, और पीसेंट को बहुत लेस प्रॉफिट मिल रहा है। बेसिकली जमींदार्स की अगर बात की जाए तो उनका एक ही मोटिव था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रिगार्डलेस द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीसेंट्स। पीसेंट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस उनका एक ही मोटिव था किसी भी तरह से किसान से, पीसेंट से, फार्मर से रेवेन्यू को कलेक्ट करना। बेसिकली द जमींदार्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बात बिल्कुल सही है, जमींदार्स ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों की या एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये भी एक रीज़न है कि जमींदार्स का एटीट्यूड ऐसा क्यों था, जमींदार्स का एटीट्यूड ऐसा था द
टर्म्स ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट, ड्यू टू टर्म्स ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट। अब ये क्या था द टर्म्स ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट? बेसिकली द टर्म्स ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट बहुत बहुत टफ थी, और वो क्या थी? द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स लूज टू देयर राइट्स। यानी फार्मर से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है उसकी डेट फिक्स की गई है, और अगर कोई जमींदार उन फिक्स्ड डेट्स पर उस डिपॉजिट को उस सम ऑफ लगान को डिपॉजिट नहीं कर पाता था तो अपने राइट्स लूज कर देता था। इसी की वजह से जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन को जमींदार बिल्कुल नहीं देखते थे और क्या करते थे, सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट में लगे रहते थे। तो जो हमारा एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, स्टेग्नेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी, स्टेग्नेंट, और उसके फर्स्ट पॉइंट को हमने समझा रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जिसके टू सब पार्ट्स किए, फर्स्ट जमींदारी सिस्टम एंड सेकंड द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसके हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें, वो स्टेग्नेंट क्यों था, तो आंसर मिलता है हमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये क्या, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द मार्केट रादर देन सेल्फ कंजम्पशन। यानी क्या करें, इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसान या जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके लिए प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केट के लिए कर रहा है, फॉर द मार्केट नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने लिए नहीं कर रहा, मार्केट के लिए कर रहा है। रिपीट करते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द मार्केट नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मार्केट के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। अब ये जो प्रोसेस हुआ ये क्यों हुआ, बेसिकली मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया था। कौन सी पॉलिसी? प्रोटेक्शन और प्रमोशन की पॉलिसी। और वो प्रोटेक्शन और प्रमोशन किसको देना चाहते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देना चाहते थे। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, इंडिया को सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बना दिया था फिनिश गुड्स का। तो अभी यही तो हो रहा है। अगर उस पीरियड के अंदर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया तो क्यों किया गया? क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बहाने ब्रिटिश गवर्नमेंट कैश क्रॉप्स के लिए हायर प्राइस देती थी। अब कैश क्रॉप्स कौन से हैं? कॉटन, जूट, इंडिगो। अब ये सारा का सारा कॉटन, जूट, इंडिगो जो कैश क्रॉप्स हैं, इनके लिए जब पीसेंट्स को ज़्यादा प्राइस मिलता था तो मैक्सिमम पीसेंट्स किसको प्रोड्यूस करेंगे? कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब इन कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की वजह से ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री चल रही थी उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिल गया? रॉ मटेरियल। और इसी रॉ मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब आपके माइंड में आ सकता है, मैं डिफरेंट टाइम्स पे कहता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन डियर एक्सपोर्ट ज़्यादा क्या होना चाहिए? फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि अभी क्या हो रहा था? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था।
प्रॉब्लम क्या है। अभी तक हम लोग यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग फूड ग्रेन्स में हमारे पास क्या थी, सेल्फ सफिशिएंसी थी, यानी जितना फूड क्रॉप्स हमें चाहिए वो हमारे पास था। बट अभी क्या हुआ है, टर्न हुआ, जो हम लोग टर्न हो गए, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर टर्न हो गया, हम लोग फूड क्रॉप से कहाँ पे आ गए, कैश क्रॉप्स पे। तो उससे एक न्यू प्रॉब्लम जनरेट हुई और वो क्या थी, क्राइसिस ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम हो गई। और जितने भी आपने देखे फेमाइंस हुए उसका रीजन यही था, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल टाइम टू टाइम फेमाइंस हुए हैं, उसका रीजन क्या था, क्राइसिस ऑफ फूड ग्रेन्स। और वो क्राइसिस क्यों हुआ, क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। तो इस सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा रहा, स्टेग्नेंट रहा। थर्ड पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये क्या था, बेसिकली 1 हेक्टेयर से हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी 1 हेक्टेयर एकर ऑफ लैंड से हम लोगों का जो भी प्रोडक्शन होगा वही क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी। और हम क्या कहते हैं, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी 1 हेक्टेयर स्पेस से हम लोग कम प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ये कैसे था, अगर आप उस टाइम को देखिए तो आपको मिलेगा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंशियंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन सब बातों की वजह से जो हमारा प्रोडक्टिविटी था वो बहुत ही कम था। हम लोग उस टाइम HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज नहीं करते थे, ओल्ड सीड्स हम लोग यूज कर रहे थे। अगर हम लोग उस टाइम पे HYV सीड्स यूज करते, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते, तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो नहीं होती, वो हाई होती। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं था, दैट्स वाई लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट हुआ। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, गवर्नमेंट कुछ भी इन्वेस्ट ही नहीं कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसका फर्दर प्रोडक्शन तो लेस होना ही होना है, उसके अंदर स्टेग्नेशन तो आना ही आना है। तो ये बात हमें समझ में भी आ रही है। और लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पार्टीशन ऑफ द कंट्री मीन्स क्या हुआ, जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ, यानी इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट कंट्रीज बनी, उस टाइम पे जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल था जूट, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वो कहाँ चला गया, वेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को चला गया। अब इसी से एक क्राइसिस और हो गया, अब हमारे पास रॉ मटेरियल की भी कमी हो गई, यानी पार्टीशन ऑफ द कंट्री का भी बहुत बैड इम्पैक्ट आता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और वो हमने एक सिंगल वर्ड में बताया, स्टेग्नेशन। क्या था उसके अंदर, स्टेग्नेशन। उसके रीजंस क्या थे, फर्स्ट रीजन लैंड सेटलमेंट सिस्टम, उसके भी हमने 2 सब पार्ट्स किए, फर्स्ट जमींदारी सिस्टम और सेकंड द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। सेकंड पॉइंट आया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड पॉइंट आया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और फाइनली एंड लास्ट पॉइंट आता है पार्टीशन ऑफ द कंट्री।
आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम लोग इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को देखा, थैंक्स। और वीडियो को देखने के बाद आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। और फिर जस्ट लाइक स्टोरी, इस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस तरह बात कीजिए, आप देखेंगे वन और टू टाइम्स में ही आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ऐसे बातचीत करेंगे, जस्ट टॉक्स करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर होता जाएगा। इसी तरह से हमें पूरे सिलेबस को तैयार करना, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आए, आंसर हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। थैंक यू, गुड बाय।